नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर देपालपुर से। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर धनतेरस से होगी। इस पर्व को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। देपालपुर सहित शहर के कई बाहरी इलाकों में एक दो दिन में पटाखा दुकानें खुल गई। पटाखा दुकानों पर सुरक्षा व सावधानी रखने को लेकर स्थानीय प्रशासन व पुलिस समझाइश दे रही है। इसी क्रम में क्षेत्रीय SDM प्रतुल सिन्हा ने स्थानीय पटाखा व्यापारियों से चर्चा की। बच्चों के खेलने वाले बंदूक का टेस्टिंग नहीं किया जाए, टेस्टिंग करने से कई बार दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। पटाखा दुकानों के पास सुरक्षा संबंधित सारे संसाधन उपलब्ध हो रहे। अग्निशमन यंत्र, बालू, रेती, पानी का टैंक मौके पर रखे जाए। बेहतर यातायात के लिए पार्किंग पर वाहन खड़े करें। पटाखा दुकानों को हाई टेंशन लाइट के नीचे नहीं लगाए। जहां भी ऐसी दुकानें को लाइसेंस मिला है वे तुरंत इसे दुरुस्त करवा ले। गोदाम से पटाखा आम लोगों को नहीं बेचे जाए। पटाखा दुकानों के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा तय की गई दूरी का पालन किया जाए। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए इंदौर देपालपुर से संदीप सेन की रिपोर्ट। We'll be right back.